दोस्तों, मकड़ी से तो आप सभी भलीभांति परिचित होंगे, लेकिन इस दुनिया में अनेकों प्रकार की मकड़ियों की प्रजाति पाई जाती है। उनमें से कुछ तो नॉर्मल होती है और कुछ मकड़ियाँ इतनी ज़्यादा विषैली होती है कि उसका एक डंक पल भर में मनुष्य की जान ले सकता है। तो इस प्रकार की क्रिएचर से दूर रहने में ही समझदारी वाली बात है, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता है कि हमारे आसपास दिखने वाली मकड़ियाँ विषैली है या नॉर्मल है, मतलब कि वेनम और नॉन वेनम। क्योंकि मकड़ी का ज़्यादातर प्रजाति मनुष्य की आवासीय स्थान में ही अपना आवास बनाता है, या ये भी कह सकते हैं कि मकड़ी यानी कि स्पाइडर जनरली मनुष्य के इर्द गिर्द या अनयूज ऑब्जेक्ट एवं स्थान पर ज़्यादा देखा जा सकता है, जैसे कि ये अक्सर अबेंडेंट हाउस में देखने को मिल जाता है, और इसके साथ ही ये मिट्टी से बने घरों में और जंगल झाड़ियों में देखा जा सकता है। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक ही मकड़ी अलग अलग जगहों पे अपनी जाल क्यों बनाती है, और मकड़ी का जाल किस मटेरियल से बना होता है, और मकड़ी खुद अपनी बनाई हुई जाल में क्यों नहीं फंसती है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मकड़ी से रिलेटेड कुछ ऐसे ही अननोन फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ सके। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आप मेरे साथ अपडेट रहो। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ गौतम और आप देख रहे हो फैक्ट साइंस। अगर हम नॉर्मल वे में स्पाइडर की बात करें तो स्पाइडर एक प्रकार की एयर ब्रीदिंग ऑर्थोपोड्स है। ऑर्थोपोड्स का मतलब होता है इनवर्टिब्रेट्स एनिमल, मतलब कि ऐसा एनिमल जिसके पास इग्जोस्केल्टन या सिगमेंटेड बॉडी हो। परंतु हम स्पाइडर को इंसेक्ट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यह इंसेक्ट की कैटेगरी में नहीं आता है। हालांकि स्पाइडर और इंसेक्ट्स दोनों इनवर्टिब्रेट्स हैं, लेकिन स्पाइडर एक आर्कनिडा ग्रुप से बिलोंग करता है। आर्कनिडा का मतलब कि एक ऐसा क्रिएचर जिसकी बॉडी 2 सिगमेंटेड होती है और उसके 8 पैर एवं साथ ही इसके पास उड़ने के लिए पंख भी नहीं होती है, और यह अपनी भोजन भी चबा कर नहीं खा सकता है। लेकिन इन केस ऑफ इंसेक्ट इसके पास 6 पैर होती है और इसकी बॉडी 3 पार्ट्स में सिगमेंटेड होती है। बस इसी कारण से स्पाइडर इंसेक्ट की कैटेगरी में नहीं आता है। और अगर हम स्पाइडर की साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम अरेनियाई होता है। वैसे स्पाइडर नॉर्मली देखने में ज़्यादा बड़ा नहीं दिखता है, क्योंकि इसकी ज़्यादातर प्रजाति साइज में छोटी होती है। लेकिन हाँ, ये अलग बात है कि मकड़ी की कुछ प्रजाति की साइज नॉर्मल मकड़ी से बड़ा होता है, खास करके फीमेल स्पाइडर के साथ ऐसा होता है। लेकिन नॉर्मल स्पाइडर की एवरेज वेट लगभग 5 से 170 ग्राम तक हो सकती है, और इसके जीवन काल इसकी अलग अलग स्पेसीज के अनुसार वेरी करता है। परंतु हाँ, फीमेल स्पाइडर का जीवन काल मेल स्पाइडर की तुलना में बहुत ज्यादा होती है, और स्पाइडर की सारे प्रजाति एनिमालिया किंगडम से बिलोंग करता है। तो दोस्तों, अब इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो फैक्ट नंबर 5, आपको पता है कि पूरे अर्थ पर हर एक एकड़ की अर्थ सरफेस पर लगभग 1 मिलियन नंबर ऑफ स्पाइडर्स पाया जाता है। और अगर हम फॉरेस्ट एरिया या ट्रॉपिकल एरिया के बारे में बात करें तो उस एरिया की हर एक एकड़ भू सरफेस पर स्पाइडर की संख्या बढ़कर 3 मिलियन तक हो जाती है। अगर पूरे अर्थ पर अवेलेबल स्पाइडर की टोटल संख्या को अर्थ पर अवेलेबल ह्यूमन पॉपुलेशन की संख्या से भाग दिया जाए तो दोस्तों चौंकाने वाली आंकड़ा सामने आती है, मतलब कि स्पाइडर टू ह्यूमन रेशियो इज 2.8 मिलियन। इस आंकड़ा से साफ पता चलता है कि एक आदमी के बराबर लगभग 3 मिलियन स्पाइडर होता है। फैक्ट नंबर 4, एन एवरेज एक घरों में लगभग 32 से 211 प्रकार के स्पेसीज की ऑर्गेनिजम्स और उनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उपस्थित होती है, और उसमें से 24 से 128 ऑर्थोपोड्स फैमिली से बिलोंग करता है, जिसमें कि मक्खियाँ, स्पाइडर, भृंग, बरे और चींटियाँ भी आती है। और अगर घरों में स्पाइडर की बात करें तो आप अपने घर को जितना साफ सुथरा रखोगे उतना ही कम स्पाइडर आपके घरों में देखने को मिलेगा। इसका कोई लिमिटेड वैल्यू नहीं है कि आपके घरों में इतना स्पाइडर पाया जाता है। ये सारी चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने घरों को कितना साफ सुथरा बनाए रखते हो। सो बी क्लीन एंड स्टे सेफ। आपको मालूम ही होगा कि कुछ स्पाइडर्स के पास 8 आंखें होती है और कुछ के पास 6 आंखें होती है, या इससे भी कम हो सकती है। लेकिन इन सभी आंखों में से कुछ ही आंखें सही होती है, जिससे वो सही तरीके से देख सकता है। परंतु एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनकी आंखें हमेशा इवन नंबर में ही रहती है। ये अपनी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए एवं शिकारी को खोजने के लिए उसकी स्पर्श, कंपन एवं उसकी स्मेल पर निर्भर करता है। परंतु जो मकड़ियां जन्म से ही अंधेरी गुफाओं में रहती है, तो उस मकड़ी के पास जन्म से उसकी आंखें नहीं होती है। ये मकड़ियां अपने स्ट्रॉन्ग सेंस के थ्रू पूरी लाइफ अंधकार वाली काली गुफाओं में सर्वाइव करती है, जैसे कि वॉल्फ स्पाइडर। फैक्ट नंबर 2, एक स्पाइडर एक दिन में लगभग 100 छोटी छोटी मक्खियों को अपना भोजन के रूप में शिकार बनाता है। फैक्ट नंबर 1, डेविड स्टीफेन इंसेक्ट आइडेंटिफिकेशन की एक स्पेशलिस्ट रिसर्चर हैं, जो कि अभी फिलहाल NC स्टेट प्लांट डिजीज एंड इंसेक्ट क्लिनिक में काम कर रहे हैं।
जिन्होंने खुद मकड़ी के जाल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताए थे। डेविड स्टेफेन ने खुद कहा है कि मकड़ी का जाल रेशम के धागे के मटेरियल से बनी होती है, जो कि मकड़ी के पेट के अंत में स्थित स्पिनरेट्स भाग से उत्पन्न होती है। यह पेट के भीतर सीक ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। जेनरली स्पाइडर्स अपना जाल बनाने के लिए 6 अलग अलग प्रकार की रेशम की धागे पेट में स्थित स्पिनरेट से प्रोड्यूस करता है। इस रेशम का उपयोग मकड़ी अपने जालों को फैलाने में, शिकार को लपेटने और एक कोकून बनाने एवं उसके ऊपर चलने के लिए किया जाता है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि इन रेशम्स में अद्भुत गुण होता है, क्योंकि यह रेशम अमीनो एसिड के मैट्रिक्स में प्रोटीन क्रिस्टल के मिक्सचर से बना होता है। तो इसी तरह की जाल के स्ट्रक्चर को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर भी कह सकते हैं, क्योंकि मकड़ी का यह जाल स्टील से भी कई गुना ज्यादा मजबूत होता है। लेकिन मन में एक सवाल यह भी आता है कि एक ही स्पाइडर अलग अलग जाले क्यों बनाती है? ये अपने द्वारा बनाए गए एक ही जाल में पूरी लाइफ स्पेंड क्यों नहीं करती है? तो इसका मेन कारण यह है कि स्पाइडर्स अपने स्पेसीज टू स्पेसीज अपना आवास बदलते रहता है। और तो और, इन्वायरमेंट में मकड़ी अपना शिकारी को पकड़ने के लिए इसकी जाल एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। बस इसी के कारण मकड़ी की जाल बार बार मिटती रहती है और मकड़ी फिर से हर बार एक नया जाल बनाता रहता है। लेकिन हाँ, सभी मकड़ियाँ अपनी जाल का उपयोग शिकार पकड़ने के लिए नहीं करता है, बल्कि स्पाइडर्स के अनेकों प्रजातियाँ अपनी शिकारी को भटकाने के लिए भी बनाती है, ताकि मकड़ी किसी शिकारी का शिकार न बन सके। लेकिन एक बात तो यह भी है कि मकड़ी खुद अपनी बनाई हुई जाल में क्यों नहीं फंसती है? जब मकड़ी अपने द्वारा बिछाए गए जाल के ऊपर चलती है तो उसे भी उसके ऊपर दूसरे प्रजाति की तरह चिपक जाना चाहिए ना? लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जिस रेशम से मकड़ी जाल बनाती है वो रेशम स्टिकी और नॉन स्टिकी भी हो सकता है। लेकिन जब मकड़ी जाल के चारों ओर घूमती है तो मकड़ी ज्यादातर नॉन स्टिकी रेशम का इस्तेमाल करता है, और जाले के ऊपर चलते समय मकड़ी सिर्फ अपनी पैर की टिप्स पॉइंट को ही जाले के संपर्क में आने देता है, जिससे कि मकड़ी का सारा बॉडी पार्ट्स उसके जाले में चिपकने से बची रहती है। ये जो फिगर आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इसे आप ध्यान से देखिए। इस फिगर में अल्फावेट्स ए जिसे शो कर रहा है वो मकड़ी की पैर का दो बड़ी अपर क्लॉज है, जिसके थ्रू ये मकड़ी हार्ड सर्फेस पे चल सकती है। और जब ये मकड़ी अपने बनाए हुए जाले पे चलती है तो उस वक्त मकड़ी का एक पंजा और अपने पैर की टिप्स का कर्व हेयर के थ्रू शार्पली से मकड़ी अपनी जाले के रेशम को पकड़ता है, जो कि अल्फाबेट्स बी और सी के थ्रू शो कर रही है। और जब ये मकड़ी जाल वाले रेशम को छोड़ता है तो उस समय मकड़ी का एक पंजा रेशों को धीरे धीरे रिलीज करता है और उसकी पैर की कर्व हेयर धीरे धीरे थ्रेड को पुश आउट करता है। बस इसी कारण से मकड़ी अपने जालों में चिपकने से हमेशा बचा हुआ रहता है। ये अलग बात है कि कभी कभी अनफॉर्चुनेटली अपनी ही द्वारा बनाई हुई जाल में मकड़ी फंस जाती है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।